दुर्ग में मुवक्किल और वकील के बीच विवाद का मामला सामने आया। मामले की जानकारी देते हुए दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि अपने किसी मामले को लेकर एक महिला मुवक्किल अपने वकील के पास पहुंची थी, जिसका यह मानना था कि उसके केस को जबरदस्ती लंबा खींचा जा रहा है, जिससे वो नाराज थी और अपने वकील से बात कर रही थी। इसी बीच बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर उसकी वकील से बहस होने लग गई और मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि बात हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद गुस्साए वकीलों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं महिला कोतवाली थाना पहुंच गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए। यह कंप्लेंट देखिए कि एक वकील, जिनके वो क्लाइंट हैं, उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को। तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद था, विवाद का मामला था और उसी को लेके उन वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जांच करेंगे और सबसे पहले FIR करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके बेसिस पर। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवार का अचिन सिंह है, उसमें अधिवक्ता वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मन मुटाव है दो भाइयों के बीच में, तो वो एक तो बोलता है नहीं नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं नहीं ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवार है, आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है रे बोलने वाला इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए।